बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉप 50 एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो पीपीएससी, एफपीएससी या दिगर जो कम्पटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आज के जो एमसीक्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी हैं और मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज के इस लेक्चर में आपको 50 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो दोस्तों, बगैर किसी ताखीर के आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिविडेंड्स ऑप्शंस आर अ बिजनेस एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द डिविडेंड अकाउंट डिक्रीज ऑनर्स इक्विटी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। डिविडेंड बेसिकली कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है। डिविडेंड डिवाइडर से है तो ये कंपनी के डायरेक्टर्स पे होता है कि वो हर साल डिविडेंड अनाउंस करें या ना करें। तो डिविडेंड बेसिकली कंपनी का एक्सपेंस है और इससे ओनर्स इक्विटी भी डिक्रीज होती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। ट्रायल बैलेंस किसके बाद तैयार किया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द सब्सिडरी बुक्स, पोस्टिंग इट टू द लेजर इज कंप्लीट, पोस्टिंग इट टू द लेजर इज कंप्लीट एंड द अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। बेसिकली जो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग साइकिल है जिसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन होती है, लेन देन होता है, डेबिट क्रेडिट होता है, इसके बाद उसको हम जनरल जर्नल में जर्नल इंट्रीज पास करते हैं, उन जर्नल इंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं लेजर्स में, यानी हर अकाउंट का अलग-अलग लेजर अकाउंट बनता है और लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं उसको हम आगे लेके जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में लेजर के बैलेंसेज को डेबिट और क्रेडिट हमने इक्वलाइज करना होता है, बराबर करना होता है, यानी ट्रायल बैलेंस बेसिकली लेजर के बैलेंसेज को पोस्ट करके अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है। तो इसमें जो डी है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, एरर्स कमिटेड बाय ओमिटिंग एंट्रीज इन द जर्नल बुक आर कॉल्ड। ऑप्शंस एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, नन ऑफ द अबव। बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जो गलतियों की दुरुस्तगी है अकाउंटिंग में उसमें एरर्स कई तरह की होती हैं। उसमें एक है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं भूल की गलती, कोई चीज़ हम भूल के रिकॉर्ड नहीं कर सके अकाउंटिंग बुक्स में या हमने जायद रिकॉर्ड कर दी, उसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं, यानी भूल की गलती। और दूसरे नंबर पे एरर ऑफ कमीशन, हमने टोटली गलत किया, वो एरर ऑफ कमीशन है। और थर्ड है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी असूल की गलती, यानी डेबिट करना था हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था हमने डेबिट कर दिया। तो एरर कमिटिंग बाय ओमिटिंग एंट्रीज, ऊपर लाइन में लिखा हुआ है हम भूल गए एंट्रीज को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने को, तो उसको हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। तो इसमें सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायल बैलेंस इज। ऑप्शंस है एन अकाउंट, अ स्टेटमेंट, अ सब्सिडरी बुक, अ प्रिंसिपल बुक। ट्रायल बैलेंस बेसिकली अ स्टेटमेंट है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं उसको हमने बैलेंस करना होता है। इसमें बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिपोर्ट गिव्स अ रिव्यू ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। कौन सी रिपोर्ट रिव्यू करती है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को? ऑप्शंस है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली ये बताती है कि कितनी इनकम थी, कितनी सेल थी और उस सेल पे क्लोजिंग स्टॉक पे जो परचेजेस पे हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और कितना नेट प्रॉफिट या नेट इनकम हुई है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है वो सिर्फ कैपिटल में जो चेंजेस हैं प्लस माइनस है उसको शो करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कैश इन एंड आउट को शो कर रहा है और बैलेंस शीट बेसिकली एसेट और लाइबिलिटीज की एक स्टेटमेंट है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो डी है, इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी कहते हैं। तो डी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अ करंट एसेट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू कैश विद इन 3 मंथ्स इज नोन एज। करंट एसेट जिसको 3 महीने के अंदर अंदर हम कैश में तब्दील कर सकें उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं कैश इक्विलेंट, इनटेंजिबल एसेट, ऑपरेटिंग एसेट, कैश एसेट। तो वो कैश इक्विलेंट्स होते हैं, ये इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अ मेथड यूज्ड इन अ कंपैरेटिव
analysis of financial statement is options, returning analysis, common size analysis, preference analysis, graphical analysis. Basically common size analysis ye hota hai, and analysis of the financial statement where all income statement items are comparatively reviewed by total sales and balance sheet items are compared with total assets. तो ये कॉमन साइज एनालिसिस है जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को सेल्स के साथ कंपेयर करना है और बैलेंस शीट आइटम को हमने टोटल एसेट्स के साथ कंपेयर करना है. 20 में राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9, द सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय ऑप्शन स्मॉल फर्म्स, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नन ऑफ दीज. सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम से पहले का निज़ाम जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं, और ये जिसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को कवर किया जाता था, ये स्मॉल फर्म्स जो हैं यूज करती थी, आजकल भी ये यूज हो रहा है. तो इसमें ए राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर टू ऑप्शंस है नो अबाउट एसेट्स, नो अबाउट लाइबिलिटीज, कैलकुलेट कैपिटल, नो फाइनेंशियल पोजिशन. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बेसिकली कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है. सी इसमें राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 11, the main objective of depreciation is to show the previous profit, to calculate net profit, to reduce tax, to satisfy the tax department. Basically depreciation hoti hai assets ki jo use karte hue assets mein jo kami waqia ho jati hai assets ki qeemat mein maliyat mein usko hum depreciation kehte hain. To net profit ki calculation mein hame ye bahut zyada important hai, isko humne minus karna hota hai. To ye 20 mein right answer hai. Question number 12, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट्स टोटल अमाउंट. जो डेप्रिसिएशन किया है वो उसकी मार्केटेबल जो सॉरी टोटल जो डेप्रिसिएबल वैल्यू है बुक वैल्यू है उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए. तो ये इसमें राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मैथड द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन. फिक्स्ड जो मैथड है या जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मैथड भी कहते हैं उसके तहत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है बैलेंस अमाउंट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, स्क्रैप वैल्यू पे, नन ऑफ देम. तो ओरिजिनल कॉस्ट पे यानी जो एसेट जिस साल में जितनी कीमत का खरीदा है हर साल उसी पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. 20 में राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट वियर एंड टियर ड्यू टू द यूज और पैसेज ऑफ टाइम, नॉर्मल फैक्टर्स, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, ऑब्सोलेसेंस. नॉर्मल फैक्टर्स जो है उसके अलावा बाकी तमाम है. क्वेश्चन नंबर 15, सेल ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर इज ऑप्शंस रेवेन्यू रिसीट, एसेट प्रॉफिट, कैपिटल रिसीट. ये रेवेन्यू रिसीट है. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. कॉर्पोरेशंस, ऑडिट फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक हॉस्पिटल. हॉस्पिटल जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है. डी राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 17, एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मिक्सड अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होता है. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल एसेट, इन्वेंट्रीज, इक्विपमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, लीज होल्ड लैंड. फाइनेंशियल एसेट जो है इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं जिसमें शेयर डिबेंचर भी आते हैं. सी इसमें राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 19, वट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेजर, ट्रायल बैलेंस. तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये लास्ट स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का. क्वेश्चन नंबर 20, रिटेन अर्निंग इंक्रीज व्हेन द कॉर्पोरेशन हैज अ. रिटेन अर्निंग होती है जो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका उसमें से कुछ नागहानी एमरजेंसी के लिए कंपनी बचा के रख लेती है, उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं. तो रिटेन अर्निंग कब होगी, जब कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा. क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नॉट बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द एन अकाउंटिंग पीरियड. इनकम समरी, प्रॉफिट, रेवेन्यू, कैपिटल स्टॉक. तो कैपिटल स्टॉक को क्लोज नहीं किया जाता. क्वेश्चन नंबर 22, वर्कशीट सिग्निफाइज अ कंप्लीट स्केच ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटीज, इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट एंड लाइबिलिटीज, एडजस्टिंग एंट्रीज एट क्लोज ऑफ द पीरियड, नन ऑफ द अबव. तो वर्कशीट जो 10 कॉलम वर्कशीट है बेसिकली कंप्लीट स्केच है बिजनेस एक्टिविटीज का, उसमें एसेट्स भी आते हैं, लाइबिलिटीज भी आती हैं, इनकम स्टेटमेंट भी आती है, अकाउंटिंग इक्वेशंस भी आती हैं. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट. अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड.
लैंड जो है इसमें करंट एसेट नहीं है, ये फिक्स एसेट है, इसके अलावा बाकी सब करंट एसेट है। क्वेश्चन नंबर 24, द ट्रांजेक्शन दैट डज नॉट अफेक्ट अ कैश बुक इज, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्डेड फॉर द ईयर, मोबाइल चार्जेस पेड फ्रॉम द, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है रिकॉर्डेड फॉर द ईयर ये अफेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ पैटी कैश बुक इज, पैटी कैशियर होता है जो इसका जिम्मेदार होता है, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं कारोबार के उसको महीने के शुरू में उसको दे दिए जाते हैं पैटी मैनेजर को, पैटी कैशियर को, वो खर्चे करता है और जितने खर्चे करेगा वो मजीद दोबारा उतने कैश दोबारा फिर दे दिया जाता है। तो ये डी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, द डिसीजन इन गार्नर वर्सेज मरे वाज गिवन इन 1905, 1933, 1804, 1904, ये गार्नर वर्सेज मरे जो है बहुत फेमस जो डिसीजन है जो पार्टनर्स के शिप के वाले से, ये 1904 में इसका डिसीजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाए तो ये सुपर प्रॉफिट आता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड द क्रेडिट इज गिवन टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होगा ये। क्वेश्चन नंबर 29, ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज हु डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लेंड देयर नेम टू द बिजनेस, यानी ना पैसे लगाते हैं ना ही काम करते हैं, सिर्फ अपना नाम उनके अपनी शोहरत इस्तेमाल हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 30, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑफ नो इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विदड्रॉल ऑफ इन्वेंट्री बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज अप्रेज्ड इज अपियर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट एज अ डिडक्शन फ्रॉम परचेजेस से होगा, अगर वो जाती इस्तेमाल के लिए चीजें लेके जाता है तो परचेजेस में से माइनस होगा मालिक। क्वेश्चन नंबर 32, द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ, कैपिटल कब चेंज होगा, वेजेस बीइंग पेड इन कैश, जब वेजेस कैश में देंगे इसके अलावा नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड, प्रोडक्शन वेजेस, प्रोडक्शन मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, यानी डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसका तलक फैक्ट जो है प्रोडक्शन और परचेज से हो, इनडायरेक्ट वो होता है जिसका तलक सेल से हो, तो ये फैक्ट्री रेंट जो है ये प्रोडक्शन और परचेज से, लिहाजा ये इनडायरेक्ट इसमें ये डायरेक्ट कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑन द ऑफिस एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इन विच सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट दिस विल बी रिकॉर्डेड, ये करंट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 35, द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 36, द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज बाय विच स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में होती है, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मॉडर्नाइज या एक्सपेंडेड फॉर्म है वो बैलेंस शीट है। क्वेश्चन नंबर 37, विच रेशियो प्रोटेक्ट द क्रेडिटर्स, लोअर डेट इक्विटी रेशियो जो है ये क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है टोटल एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100। 39, विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग सैलरी एंड मार्केट एनालिसिस, तो ये सारी सेल से रिलेटेड है, सेल एक्सपेंडिचर बजट होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज अ मास्टर बजट इंक्लूड, मटीरियल बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल सारे शामिल है इसमें मास्टर बजट में। 41, परचेजेस आर डेबिटेड व्हेन गुड्स आर परचेज, जब उधार पे चीजें खरीदेंगे तो परचेज को हमेशा डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, टेंडर इज एन, टेंडर बेसिकली एस्टिमेशन है सेलिंग प्राइस चेक करने के लिए कि कितने की सेल होती है। क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 9 एक्सप्लेन्स अबाउट, अकाउंट रिसीवेबल को एक्सप्लेन करती है। क्वेश्चन नंबर 44, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के बहुत मशहूर रूल्स हैं। 45, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कंपनीज एंड ओनर्स शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट, तो ये ओनर्स और जो बिजनेस है ये सेपरेट मामला है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग का, जिसमें जो उसके जाती मामला अलग हैं, बिजनेस अलग है। क्वेश्चन नंबर 46, विच कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट, डुअल एस्पेक्ट है, देयर इज एवरी डेबिट देयर मस्ट हैव बी क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 47, डिस्काउंट अलाउड इज अ काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम, अकाउंट रिसीवेबल से होगा। क्वेश्चन नंबर 48, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज एसेट। 49, पोस्टेज स्टैंप ऑन हैंड
ये प्रीपेड एक्सपेंस है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गेट्स प्रिपेयर्ड फर्स्ट, इनकम स्टेटमेंट इनमें से सबसे पहले तैयार होती है। तो दोस्तों ये थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट कंसेप्चुअल मोस्ट डिटेल्ड टॉप 50 एमसीक्यूज। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मजीद वीडियोज़ न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।